भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, ऐसे लोगों द्वारा किए गए कार्यों को वोट बैंक की राजनीति के लिए भुलाया जा रहा है। इस तरह के आरोप स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों ने लगाया है। आरोप से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति ने तो खुद पर मिट्टी का तेल छिड़कर आत्महत्या तक का प्रयास किए। देख सकते हैं यह दृश्य। गनीमत यह रही कि समय रहते मौका ये वारदात पर पुलिस पहुंच गई और अर्थ का अनर्थ होने से रोक दिया गया। यह हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं। पनवेल स्थित भूतात्मा हृदय गुरुजी शिक्षा विद्या मंदिर का नाम पोछकर अब दीवा पाटिल विद्यालय का नाम दिया जाने वाला है। यह प्रस्ताव पनवेल महानगर पालिका में पारित हो गया और यह बात सभी को पता है कि पनवेल और उरण में भाजपा के विधायक है, तो जाहिर सी बात है वोट बैंक के लिए राजनीति न हो भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। इन्हीं बातों से पीड़ित होकर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश किए। हमने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति से बात किए जो पनवेल पुलिस थाने में उपस्थित थे। उनका क्या कहना था सुने। बोला काय प्रॉब्लम होता। पनवेल महानगरपालिकेच्या एका शाळेला शाळा नंबर 2 ला उत्तर गुरुजी यांचं नाव ऑलरेडी आहे। आता ती शाळा आणि इतर 2 शाळा असे मर्ज करून नवीन इमारतीमध्ये नवीन शाळा सुरू करतात। त्या शाळेमध्ये 2 शाळा निर्माण करणार आहे महानगरपालिका। 2 शाळा त्या इमारतीमध्ये सुरू करणार आहे। कन्या शाळा म्हणून आहे, त्या कन्या शाळेला बंद करून तिथल्या त्या जागेमध्ये नवीन इमारत उभी केलेली 22 खोल्यांची, आणि त्या इमारतीमध्ये हुतात्मे अरुणा जी ये बताएं कि पुलिस थाने में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया हुआ है, वो कौन लगता है आपका? वो मेरा बड़ा बेटा है। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से पुलिस को उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाना पड़ा? देखो भाई जी, हमारे जो ससुर जी हैं जी, ये वो स्वतंत्र सेनानी थे जी, और उन्होंने पनवेल में न्यू पनवेल में पूरा वो उन्होंने स्वतंत्र सेनानी होने के कारण उन्होंने अपनी जान जी मतलब देश के लिए उन्होंने कार्य किया। अब वो देश के लिए अपना बलिदान दे दिए जी। पहले वो टीचर थे मराठी मीडियम के, ओके, और वो पनवेल में ही थे और उन्होंने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया, इसलिए इधर का नगर पालिका जो है पनवेल का। नहीं नहीं तो उनके नाम पे कोई विद्यालय थी क्या? उन्होंने वो ठहराव करके वो नया म्युनिसिपैलिटी का जो एक मराठी स्कूल था उसको हमारे ससुर जी का नाम दिया था जी, हुतात्मा हिरवे गुरुजी जी, जीवन शिक्षण मंदिर, ओके, और वो इधर ये है लोखंडी। तो अभी क्या नाम बदला जा रहा है? अभी वो बहुत पुरानी हो गई है ऐसा और लगभग मुझे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत पुरानी विद्यालय है तो कम से कम कितने साल पुराने हुए होंगे कम से कम? वो तो मेरे ससुर जी वो स्कूल में विद्यार्थी थे, वो खुद भी विद्यार्थी थे और बाद में उनके नाम पे विद्यालय बन गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने कार्य भी ऐसा अच्छा किया है जी, वो पूरा महाराष्ट्र का शिक्षक संगठन का अध्यक्ष भी था जी, वो गोवा स्वतंत्र के लिए उन्होंने जान दिए, उनके साथ इनके भी पिताजी थे जी, सब है हमारे ससुर जी के। ये हमारा स्वतंत्र सेनानी का एक संगठन है जी। तो ये अभी जो जिस तरह के आपके बेटे ने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, आपको लगता है कि जो उन्होंने तरीका अपनाया, जिस तरह की मुझे जानकारी मिली है कि वो खुद वकील है, एडवोकेट है और वो संविधान के जानकार है, तो ये असंविधानिक जिस तरह से कार्य किए हैं, आपको लगता है कि ये उचित था या इसके अलावा भी कोई रास्ता था, बन सकता था, आपको लगता है? हमने बहुत कोशिश किया, मैं 8 दिन से उनके साथ मेरे बेटे के साथ इधर उधर घूमती रहे, मीटिंग लिया, डिस्कस किया, पहले इधर म्युनिसिपैलिटी में गए 2-4, उन्होंने जो चुने हुए वो लोगों को साथ मिला, उनसे बातचीत किया, सबको निवेदन दिया, हाँ हाँ बोल के किसी ने कुछ नहीं। फिलहाल विद्यालय का नाम बदलकर नेता यह सोच रहे हैं कि वो अपना वोट बैंक पक्का कर लेंगे, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पब्लिक है, सब जानती है। देखना होगा कि नाम की राजनीति भाजपा पालिका अधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य का झगड़ा क्या रंग लेती है और ऊंट किस करवट बैठती है, आने वाले समय में यह तय होगा। तो दोस्तों, मेरी खबर अगर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, हम फिर इसी तरह की कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।